इस वक्त मैं पहुंच गया हूं, ये गुमटी है और साथ में कैसरी दरवाज़ा है। कैसरी दरवाज़ा और गुमटी आमने सामने है। ये मलका विक्टोरिया की याद में इसको बनाया गया था। मलका ने इधर विज़िट करना था लेकिन किसी वजूहत की वजह से वो नहीं आ सकी थी। यहाँ के रहायशी हैं, उनसे बात करेंगे। ये वैसे जो सामने उसका व्यू है, गुमटी और कैसरी दरवाज़ा सामने, और यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे बात करेंगे। बताइएगा इसकी गुमटी की हिस्ट्री और कैसरी दरवाज़े की हिस्ट्री। बात यह है कि यहाँ जब अंग्रेज़ ने संगे बुनियाद रखना था, संगे बुनियाद तो रख दिया, दरवाज़ों का नाम अपने नक्शे के तहत तो रख दिया, लेकिन यहाँ सामने कुछ नहीं था, जंगल था। उस वक्त नहरी दफ्तर भी नहीं था। उन लोगों ने इसका नाम दरवाज़ा कैसरी दरवाज़ा रखा, मलका के तख्त की वजह से। यहाँ मलका का तख्त बनाया था। ऐसे ही कैसरी दरवाज़ा का नाम तो दे दिया। बाद में जब रेलवे स्टेशन कायम हुआ तो इस बाज़ार का नाम रेलवे बाज़ार रख दिया। अब भी यहाँ जो रोड गुजरता है उसको रेलवे रोड कहा जाता है। गुमटी जो थी वो तख्त की नमा थी, लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ हालात बदलते गए, गुमटी सुगड़ती गई, तख्त का वो एरिया क्लोज होता गया, लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। इवन कि एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ बसों का लारी अड्डा बोल रहे थे, यहाँ लारी अड्डा भी हुआ करता था, कोई खोखे हुए करते थे। ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, ये मुझे गज़र सीना से मिला है कि यहाँ कोई खोखे हुआ करते थे। अच्छा। उन खोखों में लोग आकर यहाँ से देहात से जो जिनके काम होते थे, साथ ही कचहरी बाज़ार वहाँ या महकमा नहर के आगे पीछे, ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से बनने के पहले से, पाकिस्तान बनने के बाद से भी यहाँ लारी अड्डा रहा है। ये कमों बे तकरीबन 1960 से 65 से यहाँ लारी अड्डा आगे शिफ्ट हुआ है। अच्छा। ऐसे ही ये इसी की तारीख इतनी पुरानी है, वो तकरीबन 1896-97 से लेकर बनी हुई है। आज इसमें ये मैं फिर बड़े वसूख से कहता हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और सारे कदीमा वाला से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि शहर का खुदारा ख्याल रखें, जो पुरानी इमारतें उनके लुक आफ्टर के लिए पैसे दें। ऐसे ही ये 2015 और 2016 में ये मेरी आंखों के सामने तमीर हुई है दोबारा। अच्छा, मेरे देख करें, इसको बंद किया हुआ है, अंदर तो जा नहीं सकते, लॉक किया हुआ है। अगर कोई सयाह आता है देखने के लिए, कोई टूरिस्ट आता है देखने के लिए, तो कैसे ऐसे बाहर से ही देख के चला जाए? मेरे ख्याल में इसे थोड़ी सी तसीह देनी चाहिए, और यहाँ टिकट हो ना हो, जो बाहर से लोग आते हैं, जो तरीकी तालब इलम है मेरी तरह, मैं एक तरीक़ का छोटा सा तालब इलम हूँ, उन्हें मालूमत होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ लिखी हुई हैं लोगों ने, लेकिन वो मेरे गदर सीने के मुताबिक सही नहीं है। वो सीना गदर लोगों, पुराने लोगों से जो इस वक्त 100 साल के लोग हैं, उनसे ये सर्वे करवाएं, उनसे बातें पूछें, वो चीज़ें लेके सामने आवें, उन्हें उजागर करना चाहिए। लेकिन ऐसे ही मुझे, मेरे जैसे जो देसी आदमी हैं, उन्हें दुख होता है कि जब ऐसे देख रहे हैं, मेरी ज़िला कौंसिल है, ये गुमटी है, घंटाघर है, बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं। मेरी फैसलाबाद से, मेरी उम्र तो मैं पाकिस्तान बनने से बहुत बाद में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे सिटी से, मेरे शहर से, मेरे गांव से, मेरी धरती से जो प्यार है ना, वो उसके मुताबिक मैं बातें करता हूँ। तो अक्सर लोग कहते हैं यार ये तो वैसे बूढ़ा बाबा ऐसे बोले जा रहा है। नहीं, ये धरती माँ है, धरती माँ से प्यार होना चाहिए, शरीक से दिलचस्पी होना चाहिए। हमारे लोगों, नई नस्ल को अवेयरनेस होनी चाहिए कि पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान बनने से पहले कौन से शहर आबाद थे, वो कैसे थे, अब कैसे हैं, हाल उनका कैसा है। गुमटी का तो आप कह रहे हैं कि जी मलका विक्टोरिया का तख्त था शायद बनाया, लेकिन कैसरी दरवाज़े की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दें, ताकि जो व्यूवर्स देखने वाले हैं उनको पता चल सके कैसरी दरवाज़ा क्यों बनाया था। कैसरी दरवाज़ा क्यों बनाया था? यहाँ से कैसरी, कैसर जो कहते हैं ना उर्दू में लफ्ज़ कैसरी है, मुझे नहीं याद, क्योंकि उर्दू ज़बान ऐसी ज़बान है कि तमाम ज़बानों के लफ्ज़ फिट हो जाते हैं। कैसरी दरवाज़ा, शहनशाह ने इधर आना था उस वक्त के शहनशाह और मलका ने, उनकी नस्बत से इसका नाम कैसरी दरवाज़ा रखा हुआ। बाकी देख लें, कचहरी सामने थी, कचहरी दरवाज़ा है, गेट है, चनोट बाज़ार है, ऐसे ही अमीपुर बाज़ार है, ऐसे ही भुआना बाज़ार है, ऐसे ही जंग बाज़ार है, जो जिसके सामने शहर आता था, जो कस्बा आता था, उसके नाम से मनसूब कर देते थे। सामने देखे कारखाना बाज़ार है, मुंडकुमरी बाज़ार है, क्योंकि साहिवाल का पहले नाम मुंडकुमरी था, आज भी उसी का नाम मुंडकुमरी है। ऐसे इसके आगे कोई शहर नहीं था नज़दीक तरीन, लाहौर था वो बहुत दूर था,
लाहौर बन नहीं सकता था, इसलिए इसका नाम कैसरी दरवाज़ा इसकी निस्बत से रखा गया। उसके बाद जब रेलवे 1890-95 में स्टेशन बना, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मुझे याद, फिर इसकी निस्बत से इस बाज़ार का नाम रेलवे बाज़ार रख दिया और इसका बाहरला जो रोड था उसका नाम रेलवे रोड रख दिया। ऐसे ही इसी नाम से उनकी मलका की वजह से, उनके शहनशाह की वजह से कैसरी, वो कहते हैं ना कहाँ है मुसलमान अगले ज़माने वाले गर्दने कैसो किसरा की जगह, ये किसरा लफ्ज़ शहनशाहों के साथ मनसूफ है, वो जहाँ पर लोग हुआ करते थे ऐसे ही उस बादशाह के नाम से मनसूब है, उस मलका के नाम से मनसूब है। इस वजह से उनने, चूँकि उनका सामने तख्त था, तख्त की वजह से मेरे ख्याल में मनसूब किया हुआ है। चलें जी आगे चलते हैं, गुमटी दिखाता हूँ मैं आपको, सामने कैसरी दरवाज़ा भी आपको दिखाता हूँ पास जाके थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम देखें ये देखें जी, लेकिन एक चीज़ है कि हमारा जो विरसा है वो आज किस दुहाने पे पहुंचा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट जो है विरसे की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। ये गुमटी को ना 1897 में मलका विक्टोरिया के लायलपुर में तशरीफ़ आवरी पर इसको बनाया गया था और 2015 में इसको दोबारा जो है मतलब जो देखभाल थी थोड़ी बहुत टूट फूट थी वो इसको दोबारा जो है ना वो ठीक किया गया। ये बरकत दरियाए चन्ना लिखा हुआ है इस पर, शायद दरियाए चनाब को दरियाए चन्ना कहते थे देखें, लेकिन इसकी जो सफाई है वो अभी तक तो नहीं है। सामने बिल्कुल ये कैसरी दरवाज़ा है, 1897 में जो है ना इसको बनाया गया, देखें बहुत ज़बरदस्त है। आपने जो दोनों गुमटी और कैसरी दरवाज़े की हिस्ट्री सुनी और देखा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।